Hi everybody, it's a great pleasure for me today to be introducing one of the living legends of art in Pakistan, and I have before me Mansoor Rahi, the great artist, the great human being and my mentor and teacher. It is like a dream come true for me today that I'm sitting here for this, my channel, and we are able to take some time from Mansoor Rahi. I will not come between the two of you, except I'll say one little word that Sir Mansoor Rahi, his presence is like a banyan tree for me. I feel that just like a banyan tree is there to protect and support those around it, in the same way Sir Mansoor Rahi is there to protect and support all those who are around him, which includes his wife, his family and his number and numerous students and of art. So over to Sir Mansoor Rahi. Shall we start from the beginning, like where did you get your art education from, sir? Thank you, dear. Thanks for taking me in interview. So nice. It is my pleasure. मुझे खुशी होता है कि बातचीत आर्टिस्ट से भी सामने लाए पाकिस्तान का सियासतदान जैसे चीख पुकार करके सामने आता है. आर्टिस्ट चीख पुकार तो नहीं कर सकता, मगर हमारा पेंटिंग खुद एक आवाज़ निकलता है. इसमें एतजाज भी है, इसमें सजेशन है, इसमें आगे बढ़ने का एक इंस्पिरेशन भी है. एक बेटा है, बहुत मशहूर बात है कि मंसूर राही, यार तुम पैदा कहाँ हुआ? पैदा तो बहुत दूर का कंट्री है, अभी बांग्लादेश जो नाम पे मशहूर है. अभी I born brought up in Bengal. और मेरे फादर भी एक लॉयर थे, आर्टिस्ट का ऑपोजिट. मगर वो एक चीज़ को पसंद करते थे शुरू से. मैं देखा है मेरे फादर मरहूम, ही यूज़ टू लाइक नेचर. मुझे नेचर बहुत पसंद है. अल्लामिया का सही पहचान नेचर के अंदर छुपा हुआ है. अगर दरख्त देखोगे, बादल देखोगे, पहाड़ का ऊंचाई देखोगे, मौसम बदल जाना एक मौजज़ा है. ये सब कुछ एक अल्लामिया का जीता जागता पहचान है. बात यह है कि इंस्पिरेशन मेरे फादर से एक बात का ज़रूर है, मैंने लिया है, वो है नेचर से मोहब्बत. और मेरे एक छोटा भाई था, अभी है, ही इज आउट ऑफ पाकिस्तान. तो वो मुझे एक दिन बताया कि बेटे, ये तू जो नेचर नेचर करते रहता है, असली नेचर का शक्ल तो पाकिस्तान में है, वेस्ट पाकिस्तान, कराची, काराकोरम माउंटेन. तो एक दफ़ा मैं इधर आ गया, मुझे ढाका आर्ट कॉलेज से एक स्कॉलरशिप मिला था, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची जैसे शहर, उसमें एक नुमाइश लगाया था. तो हजरत से मुलाकात वहीं हुआ था, पहला मुलाकात. हजरत भी आ गई थी, उनके एक छोटा सा स्कूल था, स्कूल के स्टूडेंट भी लेके आई थी. तो मुझे महसूस हुआ था कि ये लड़की देखने तो अच्छी है, पाकिस्तान का लड़की खूबसूरत होता है.
हमारा बांग्लादेश में भी हम गए थे मेरे बाद शादी के बहुत साल बाद। तो ढाका टीवी पाकिस्तान से आर्टिस्ट आए हैं तो हम दोनों का इंटरव्यू लिया था। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था कि मंसूर राही आप वहाँ जाके ये शादी करने की क्या ज़रूरत था। अरे भाई हमारा बांग्लादेश में एक लड़की है ही नहीं। मैं कहा कि ये मेरे उस्ताद आप ही का यहाँ का हीरो जनूल आबिदीन बहुत बड़ा मुसव्विर जैसे हमारा यहाँ गुजरे हुए चुगताई साहब थे सातकाइन थे मगर जनूल आबिदीन उस ज़माने में ज़िंदा थे और कराची आए थे। आके मुझे कहा था कि हाजरा अच्छी लड़की है तुम्हारा अब्बू मेरे दोस्त है तो बेटा तुम्हारा अब्बू का कहना है कि मंसूर बड़ा हो गया शादी का ज़रूरत है तो शादी एक हाजरा के साथ तुम शादी करो और पाकिस्तान में आर्ट को फैलाओ। तो मैं कहा कि मैं अभी अपने उस्ताद का आदेश पालन कर रहा हूँ बंगाली में था मतलब मैं अपने उस्ताद का कहना हुआ हुकुम को पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाजरा जब से मेरे साथ है आई फाउंड हाजरा शुरू से अच्छे आर्टिस्ट थी अभी भी है पाकिस्तान का जाना पहचाना बहुत मशहूर आर्टिस्ट है और मेरे साथ साथ अभी तक चल रही है ये और मुझे अच्छा लगता है। मैं भी उम्र में बहुत आगे निकल गया मेरे साथ साथ हाजरे भी है। मेरे यहाँ एक मंसूर राही जनरेशन दे दिया ये मेरे बहुत सारे क्रिएशन में ये भी एक क्रिएशन है। मुझे खुशी है और देख के मुझे लगता है कि मुझे कल का आने वाले ज़माना इन्हीं लोगों से ज़माना कायम रहेगा। सर आपने जो एक आपने हमें सिर्फ आर्ट नहीं सिखाया आपने हमें जीना भी सिखाया है। आपने हमें आर्ट के प्रिंसिपल्स सिखाए और उसके साथ साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के प्रिंसिपल्स सिखाए और दिखाए। इस तरह हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का प्रिंसिपल भी दिखाया और सिखाया क्योंकि आप उसकी एक मिसाल हैं। तो आजकल के ज़माने में मैं आपका साथ ये भी रखूंगी कि हमारे व्यूअर ये भी जानना चाहेंगे कि 50 साल से ज़्यादा की शादी आपने अपनी बेगम के साथ निभाई और उन्होंने आपके साथ निभाई इस और इतने हुसन और इतनी खूबसूरती के साथ आपका रिलेशनशिप हम देखते हैं। तो इसके आप कौन से कोई पॉइंट्स आप देंगे हमारे आजकल के नए नौजवानों को कि भाई घर इस तरह चलते हैं इसके ऊपर आप बताइए कुछ। बेटे एक बचपन से मेरे एक ट्रेनिंग था अभी भी है मेरे अम्मी का थोड़ा सा तरबियत शामिल है मेरे एंसेस्टर्स मेरे परदादा दादा अबू ये सब कुछ मुझे दो चार चीज सिखाया था जिससे मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। मैं भी उम्र में बहुत आगे निकल गया अच्छा है जिंदा रहो बहुत दिन तक और बीमार रहो इनएक्टिव रहो वो बेकार ज़िंदगी है। जिंदा रहो मगर एक्टिव रहो काम करते रहो इंस्पिरेशन इसके अंदर दो चार चीज शामिल है। अगर मुझे लोग पूछें कि जिंदा रहने का राज क्या है सुबह उठो जल्दी सो बेफिक्र सो
जिसमें कहते हैं कि रात को नींद नहीं आता। अच्छी चीज सोचो, मेरे इनोसेंट बेटी ने बताया था कि अबू अच्छे फूलों के बात सोचा करें। मैं कहता हूँ जे इंसान को जो पसंदीदा सबसे ज़्यादा पसंद है उसको सोचो रात को, बजाय कोई प्रॉब्लम सोचो। प्रॉब्लम तो रिजेक्शन करने के लिए होता है, करो, मगर उसको दिमाग में ना रखो। और मेरे अम्मी कहा करती थी, बेटा खाना खा भी ना भी खाओ, बहुत सारी चीज़ है जो हमें खाना नहीं चाहिए, वो चीज़ को फॉलो करो, जस्ट फॉलो दी आइटम एंड काउंसिल। एक बात है कि इस्लाम में भी कहता है कि एक निवाला कम खाओ, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात बता नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात बता दिया। अगर ज़रा सा भी खाने में 19-20 करो, 19 करो 20 नहीं करो। हमारा यहाँ का लोगों को देखा है कि खाओ और खाओ, एक निवाला ज़्यादा खाओ, कम नहीं खाओ, वो बहुत बड़ा गलती किया। बेटा एक निवाला ज़्यादा खाना से कहीं ज़्यादा बेहतर है, एक निवाला कम खाओ। जी सर, और साथ मैंने देखा है कि आप चाहे कैसे कैसे खाने सामने पड़े हों, आप वो नहीं खाएंगे, आप अपना खाना खाते हैं, आप फिश खाते हैं, आप सब्ज़ी खाते हैं, और इसी के ऊपर आपका मेन दारोमदार है, आपके मेन डाइट आपकी फ़िश और वेजिटेबल्स है। इज़ दैट ट्रू? इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और बात यह है कि सेहत पे ध्यान देना और बहुत बड़ी एक इबादत है। अगर नेचर देख के खुश होते हो, बहुत बड़ी इबादत है। 5 वक्त नमाज पढ़ते हो मगर नेचर देखते नहीं, अल्लाह ने बहुत नमाइश लगा के रखा है। मेरे एक वाक्य याद आता है, मेरे एग्जीबिशन हो रहा था, बहुत सारे पेंटिंग, बहुत सारे नमाइश, बहुत सारे लोग आए, खाए पिए, आपस में बातचीत करके चला गया, पेंटिंग कोई देखा ही नहीं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, तो मेरे एहसास हुआ कि हम लोग यहाँ से कागान जाते हैं, खूबसूरत तरीन जगह पाकिस्तान का, कहीं पहाड़ी इलाके में सैर करना मेरे कमज़ोरी है, तो हम जाते हैं मगर गाड़ी में बैठे बैठे जो बातचीत कर रहे हैं, जो लेडीज़ बातचीत कर रहे हैं, करने में डूबे हुए हैं, मसरूफ़ हैं, वो पेंटिंग वर्ल्ड मुख्तलिफ सारे ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, नेचर कोई देखा ही नहीं। इतना अल्लाह ने खूबसूरत, इतने ऊंचाई पे जाके, नीचे इतना गर्मी है, ऊपर आके ठंडक, ठंडी हवा, चश्मे का ठंडी पानी, मीठा पानी, पाइंस के इतने खूबसूरत दरख्त के मंजर, ये सारे कोई देखते ही नहीं। देखे बगैर पेंटिंग वर्ल्ड में डूबे हुआ सारे प्रॉब्लम डिस्कस करके चला जा रहे हैं, तो अल्लाह मियाँ के दिल में क्या गुजरेगा? वही गुजरेगा जो मेरे नमाइश में हुआ, कि मेरे हाथ का क्रिएशन, अरे लोगों से देखो, वो देखे बगैर आपस में बातचीत करके खा पी के चला गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पहाड़ी जगह पे हम आए हैं, तो अल्लाह मियाँ का नज़ारा करें, लुत्फ़ानंदोज़ हो। वही चीज़ रात को रिफ्लेक्शन आता है,
जो तुम सारे दिन के एक्टिविटीज सब कुछ माइंड में रिफ्लेक्ट होता है, ख्वाबों के जरिए से भी आता है, और कहते हैं कि नींद उड़ा दिया, तो नींद तो उड़ना ही था क्योंकि तुम बहुत बड़ा क्राइम किया है। इतना खूबसूरत ज़माना, इतना खूबसूरत ज़िंदगी तुम देखते ही नहीं। बात यह है कि ज़िंदा रहने के लिए भी बहुत बड़ी सोच और मोहब्बत और प्यार चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात की सर आपने, इतनी गहराइयाँ हमारे तक पहुँचाई हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, आर्ट को समझने के बारे में, और ये कि जब आप जहाँ भी हो, चाहे हम कुदरती नज़ारे के सामने हो, तो कुदरत को देखे बजाय इसके कि आप इसकी एक तरह की, मैं तो कहूँगी बेकार बातें हो जाती हैं हमारे से, तो वो उस वक्त कुदरत पे अटेंशन दें। एग्जीबिशन पे आएँ तो एग्जीबिशन पे अटेंशन दें, वर्क ऑफ आर्ट को देखें, आर्टिस्ट से मिलें, क्योंकि ये मौके ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं और इन मौक़ों का हमने पूरी पूरी फ़ायदा उठाना है। तो आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखा, आपने अपनी रिलेशनशिप्स को भी संभाला, उनके ऊपर भी पूरी तवज्जो दी, और आपने एक ज़िंदगी गुजारी जिसमें आपने थ्रू आउट अपनी सोर्स ऑफ इनकम आपकी पेंटिंग थी। आपने पेंटिंग को किया, उसको आपके हॉबी भी थी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी थी। आजकल के लोग ज़्यादातर इसलिए आर्ट से दूर होते हैं कि वो समझते हैं कि इससे इंसान अर्न नहीं कर सकता। यही सवाल मैंने हाजरापा से भी किया था और आपसे भी कर रही हूँ, क्योंकि आप, यू ऑल हैव लिव्ड योर थियोरीज, यू हैव यू नो शोन अस हाउ इट इज़ पॉसिबल टू अर्न थ्रू योर वर्क। तो इसकी कोई टिप्स आप दे सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, और आपका लाइफस्टाइल भी पूरा इसी के ऊपर है, आपके काम के इर्द गिर्द आपका दिन और रात होता है, इसके बारे में बताइएगा। देखिए जी बेटे, ये जो पेंटिंग के स्टैटिकपन आ जाता है, लेन नैरो हो जाता है, एक पेंटिंग करने का एक रास्ता है, ये सारे ज़िंदगी चलते जाओ रास्ता ख़त्म नहीं होता। मुझे कोई इंटरव्यूअर ने पूछा था, सर आप इस उम्र में सेटिस्फाई हैं, डेस्टिनी नज़र आता है आपको, कैन यू सी द डेस्टिनी? तो मैं कहा जब डेस्टिनी नज़र आ जाएगा उस वक्त आर्ट स्टॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक ये जो रेगिस्तान में चलने वालों का एक थ्योरी है, सामने मिरेज नज़र आता है, मिराज, यस, तो मिरेज के मतलब पानी जैसा नज़र आता है, जाके जब पहुंचता है देखता है, देखा कि पानी नहीं है, पानी बहुत दूर है। इसी तरीके में आर्टिस्ट के लिए भी, एक शायर के लिए भी, सोच का जो रफ्तार है, रास्ता है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। जब ख़त्म हो जाएगा, जब समझ लो कि आर्ट का सफ़र ख़त्म हो गया, ये एक इट इज़ लाइक ए मैराथन, कंटिन्यूस वॉक ऑफ लाइफ। अब चलते जाएं, चलते जाएं, जाके देखोगे डेस्टिनी, फिर और आगे डेस्टिनी आगे नज़र आता है। इसका मतलब प्रैक्टिकल बात में ये है कि आर्ट में अगर आप कंटिन्यूस काम करने चाहें तो आपके अंदर तहकीक होना चाहिए, रिसर्च, कोई भी एलिमेंट लेके रिसर्च करना चाहिए। जैसे कि क्यूबिज्म, लोग मुझे कहते हैं कि मंसूर राय इज ए क्यूबिस्ट, ऑफ़ कोर्स आई बोर्न एज ए क्यूबिस्ट, मुझे क्यूबिज्म के मतलब एक इट्स ए टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा सा टेक्निकल बात हो जाएगा, मगर आप बर्दाश्त करें, थोड़ा सा टेक्निकल बर्दाश्त नहीं, हम यही ढूंढ रहे हैं आपसे। हाँ जी, शुक्रिया बेटे। ये आर्ट में तहकीक होना चाहिए, रियलिज्म तो अल्लाह ने दे ही दी है। एक जो शक्ल नज़र आता है, दरख्त, पहाड़,
यह आसमान का रंग, सुबह से शाम हो जाना, रंग बदल जाना, ये जो सारे चीज़ें हैं ये तो होते रहा और होते रहेगा अनंत काल तक। अनंत का मतलब इन्फिनिट, इट इज, देर इज नो एंड। तो मज़े की बात यह है कि एंडलेस एक तहकीक है। कोई भी एलिमेंट क्यूबिज्म, जैसे पिकासो ने कहा था कि कभी मेरे दुश्मन जो है वो है परछाई। कैमरा जब एक जगह लाइट जला देता है तो लाइट पड़ता है, फिर दूसरा जगह शेड आता है। अगर शेड मेरे दुश्मन है, अगर शेड में लगा दूं तो डायमेंशन जो आ जाता है, अगर लाइट जला दूं तो शेड ख़त्म हो जाता है, मेरे दुश्मन आ गया। इसका मतलब मेरे पेंटिंग में जो एक जान पैदा हुआ था वो ख़त्म हो जाता है। ये पिकासो का कहना था, शेड इज द एनिमी इन माई पेंटिंग। सर, पिकासो ने जैसे एक उसका एक ब्लू पीरियड था, डिफरेंट पीरियड्स उसके लाइफ में से गुजरे हैं। शुरू तो वो भी बच्चा, जब टीनेजर था उसने रियलिस्ट वर्क किया, तो उससे फिर वो मॉडर्न वर्क पे आया। फिर सो पॉल क्लीथ है, वो कहते हैं टुक मी अ लाइफ टाइम टू पेंट लाइक अ चाइल्ड। तो इस तरह से मतलब पिकासो भी बड़े दौरों में से गुजरे। तो आप अपने वक्त का बताइए कि आपने अपने पेंटिंग्स में कितने फेज, एक तो क्यूबिज्म आपका थ्रू आउट रहा है, बट थ्रू द इन द क्यूबिज्म यू हैव गॉन थ्रू डिफरेंट ईराज एंड डिफरेंट फेजेस इन योर आर्ट करियर, तो आप बताइए उसके बारे में कुछ। बेटे क्यूब इज 3D जी, डायमेंशन बिल्कुल, एंड वन क्यूब हैज इक्वल 6 साइड। और जब इसको डायमेंशन देखते हैं तो आप पकड़ सकते हैं एक चीज़ को। और वही चीज़ अगर पेंटिंग फ्लैट एक सरफेस के अंदर अगर क्यूबिस्टिक इफेक्ट अगर हम पैदा कर सकते हैं, तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एंडेवर, ए ट्राई, and it takes you towards a long drive, towards through lot of research. Yes. Research के जरिए से हम बहुत आगे जाते हैं। तो रोशनी दिखाई देता है, रोशनी के मतलब क्यूबिज्म का दुश्मन, ऑपोजिट, ऑफशूट ऑफ क्यूबिज्म। अगर हम लाइट को इन्वॉल्व करें तो क्यूबिज्म फ्लैट हो जाएगा। तो मंसूर राही का जो सबसे ज़्यादा कारनामा है, जिसमें मुझे अवार्ड भी मिला था जी, तो उसमें मैं लाइट को इन्वॉल्व किया और लाइट को कामयाब तरीके में इन्वॉल्व किया। उसका नाम था रियलिस्टिक क्यूबिज्म, रियलिस्टिक RAY। तो रियलिस्टिक क्यूबिज्म ये सुनने को मेरे पहले एग्जीबिशन हुआ था, दैट वाज इन न्यूयॉर्क अमेरिका में एक एग्जीबिशन हुआ था। तो उसमें एक पाकिस्तान पोस्ट ऐसे कुछ एक अखबार था, तो उसमें बड़े बड़े हेडलाइन दिया था ऑफशूट ऑफ क्यूबिज्म। अगर पिकासो साहब, इफ द पिकासो कुड बी अलाइव ही कुड बी वेरी वेरी हैप्पी लुकिंग दिस काइंड ऑफ पेंटिंग, हु हैज डन दिस। तो मुझे मेरे बेटा ने एक किताब लिखा था, ये किताब सामने है जी, राही जी द क्यूबिस्ट लेजेंड। ये मुझे कहा था कि अबू आप तो क्यूबिस्ट ऑफ एशिया, पाकिस्तान तो छोटी सी जगह है, एशिया बहुत बड़ा मुल्क हो जाएगा, अब फैल के काम किया, कॉन्टिनेंट बिल्कुल पूरा, बहुत ज़्यादा काम किया आपने। हाँ। तो एशिया तो नहीं, ये आई कुड हैव रिटन ओवर हियर, यस द कैप्शन वाज कुड बी
क्यूबिस्ट ऑफ वर्ल्ड, यस, नॉट एशिया. एशिया भी छोटा हो जाता है. दुनिया का बहुत बड़ा क्यूबिज्म के ऊपर तहकीक करके आगे, बहुत आगे ले गया. सर, आपको इसकी वजह से बड़े अवार्ड्स मिले हैं. प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला, और हाजरापा को भी मिला, हाजरा मंसूर. आप तो आप कुछ अवार्ड्स के बारे में बताएंगे कितने ज़्यादा और कौन से अवार्ड्स मिले आपको? देखिए जी, अवार्ड तो इंसान ने देता है. सबसे बड़ा अवार्ड होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन. अगर दिल से आप अगर समझते हैं मैं कुछ प्राइड का मैं मुस्तहिक हूँ, आई एम वेरी एलिजिबल फॉर प्राइड, एनी काइंड ऑफ प्राइड, तो मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ शाकिर अली अवार्ड, प्राइड ऑफ लॉट ऑफ अवार्ड्स, मैं आई एम वेरी वेरी फिट फॉर दिस. तो मुझे खुशी है कि सारे अवार्ड के साथ मेरे लगता है अगर मैं ये 100 हूँ तो अवार्ड मुझे लगता है कि इन लोग इनोसेंट लोग पाकिस्तानी दे आर गिविंग मी अ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस. व्हाट द परफॉर्मेंस वाज, व्हाट वर द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या क्या किया हमें. हाँ, मैं पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट जनरेशन दिया है, आर्ट को पाकिस्तान में फैलाया, कराची से लेके पेशावर से लेके अभी इस्लामाबाद में हूँ. ये मेरे बहुत बड़ा क्रिएशन है. जी सर, आपने डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे, थ्रू आउट योर लाइफ आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आपने लेक्चर्स दिए हैं, आपने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को लेके आप पहाड़ों में गए. आई हैव बीन वन ऑफ योर स्टूडेंट्स जो आपके साथ ट्रैवल भी हमने किया और हमने डिफरेंट जगहों को देखे. ऑन द स्पॉट आप हमें टिप्स देते हैं ऑन हाउ टू पेंट एंड हाउ टू यू नो हैंडल अ सब्जेक्ट. तो माशाल्लाह, नॉट ओनली ऑन द डेली वीकली लेवल but even in every way you have been a source of great inspiration for all of us. So let's come to the end of the interview now, and I would like to ask your message for the youth. Aap kya message denge? Dekhiye ji, message main har shakhs message ke liye mujhe bahut dafa pucha hai, message ko dena pasand karenge. मैसेज, सबसे बड़ी मैसेज यही है कि बहुत दिन तक जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सेहत के साथ रहना बहुत बड़ी बात है. अगर आप दिल में खुशी ला सकते हैं और रिजेक्ट दी इविल थॉट्स, तो फिर आप सेहतमंद रह सकते हैं. सेहत, अच्छी सेहत के साथ लंबी जिंदगी, सही जिंदगी होता है. खुश रहें और खुशी देने की कोशिश करें. कोई बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि बेटे, मुझे उन लोग अच्छा लगता है जिन लोग हंसते हैं, मगर आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा मुस्कुराहट दे दीजिए. तो जी, आज हम एक और पहलू जो है सर की लाइफ में, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और उसकी कुछ राज कुरेदेंगे सर से. और वो ये है कि मियां बीवी दोनों एक ही फील्ड में हैं, एक ही फील्ड में कामयाब भी हैं, दोनों मंझे हुए आर्टिस्ट्स हैं. एक का अपना स्टाइल है क्यूबिज्म का, और हाजरापा का अपना स्टाइल है. तो किस तरह आप लोग कभी लड़ते नहीं हैं, हमने कभी नहीं देखा कि आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो, तो ये आपने कैसे सारा बैलेंस कैसे अचीव किया? देखिए, एक दफ़ा हम लोग आए थे यहाँ
इस्लामाबाद में बहुत पहले की बात है, सदी पहले पहले हुआ था कराची में। तो आके हम लोगों का इंटरव्यू हुआ पीटीवी में, पाकिस्तान टेलीविज़न। तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया था, तो बेटे आप क्यूबिस्ट हैं, आप तेल से रंग पेंटिंग बनाते हैं, और हाजरा आप पानी से पेंटिंग बनाती हैं, अब आप ओरिएंटलिस्ट हैं, आप क्यूबिस्ट हैं, आप वेस्टर्नाइज्ड हैं, आप ईस्टर्न हैं, और दो आप रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, अब बंगाली बोलते हैं, ये अंग्रेजी बोलती है, उर्दू बोलती है, ये सारी चीज़, तो दोनों का मियाँ बीबी का झगड़ा कैसे नहीं होता है? मैं कहा ये हाजरा एक बात बहुत अच्छा कहा था, कहते थे नेगेटिव पॉजिटिव मिल के पावर बनता है, ताकत। जबरदस्त। हाँ, जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अगर एक साथ हो जाए तो बिजली उड़ जाता है, ताकत खत्म हो जाता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर दोनों का स्टाइल, स्कूल ऑफ थॉट एक सा होता तो हो सकता है कि फिक्शन हो सकता था, मगर चूंकि हम दोनों अलग सिमट पे रहते हैं, दोनों अलग वर्ल्ड है, इसी वजह से हम दोनों का कभी ये डिफरेंसेस नहीं हुआ। आपका कोई एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ? नहीं। आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया हमेशा। अच्छा, एक बात यह है कि माशरे में भी कभी भी दोनों, कोई भी दोनों अलग मजहब के लोग हैं, दोनों अलग लैंग्वेज के लोग हैं, मगर कभी मुकाबला नहीं करें। किसी का अगर आपका आपसे पैसा ज़्यादा है, अमीरी ज़्यादा है, तो उससे मुकाबला ना करें तो अमन कायम रहेगा। जितने जेलसीज और कॉन्टेस्ट कम होगा, उतने ही आपका अमन दिखाई देगा, अमन आपका कदम चूमेगा। ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच सर मंसूर राही, इट्स बीन अ प्लेजर बीइंग स्पेंडिंग सम टाइम विद यू। और आपने इतनी खूबसूरत बातें हमें सुनाई, आपने बहुत गहरी बातें हमें सिखाई। अल्लाह करे कि इस छोटे से इंटरव्यू के ज़रिए उन लोगों तक आप पहुंच सकें जो आप तक नहीं पहुंच सके। और मेरी भी इस चैनल के वसीले से मेरा है कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें और वो आपके वर्ड्स ऑफ विजडम से फ़ायदा उठाएँ, उनकी ज़िंदगियाँ भी संवरें और बने जिस तरह हमारी आपने संवारी हैं और बनाई हैं। बहुत खुशी रही हमें हमेशा हर क्लास में आपके पास आपसे मिलके, बहुत ही अच्छा लगता है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बेटे। गॉड ब्लेस यू।